हाँ ये तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में कराया था वेरिएबल और पावर से रिलेटेड, कुछ और चीज़ें रह गई हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास में कुछ ऐसा लिखा हुआ है 5x माइनस माइनस का 2x, ठीक, तो बच्चे क्या कर देते हैं, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये माइनस और ये ब्रैकेट क्या मीन करता है, ब्रैकेट मीन करता है कि जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं किसी चीज़ के साथ में तो मतलब इनटू होता है। तो इस माइनस के इसमें इनटू होगा तो माइनस इनटू माइनस प्लस होता है 2x। तो और ये हमने पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि अगर वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो सिंपल ये आंसर आता है। ठीक है, आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सेकंड क्वेश्चन एक और ऐसे ले लेते हैं, 5x प्लस माइनस का 2x, ठीक, ये क्या होगा बेटा 5x, और प्लस इनटू माइनस क्या होता है माइनस 2x। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि 5x माइनस 2x तो क्या आएगा यहाँ पे 3x, क्योंकि x तो वेरिएबल है और प्लस माइनस वाले केस में हम सीख चुके हैं तो इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा मेन केस रह गया वो रह गया रूट वाला। ठीक, अब जैसे रूट वाले केस को हम करते हैं, जैसे रूट टू इंटू रूट टू लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2। कुछ बोलते हैं कि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, अदरवाइज ये होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है, इससे स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ऐसे आपको याद रखना है। इससे स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, मतलब 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, ठीक, और 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, ऐसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, जब इंटू करते हैं तो पावर से ऐड हो जाती है। और 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1/2 होता है हाफ, आधा, और आधा 1 होता है, तो 2 की पावर 1, तो मेरा आंसर यही आया। ठीक है, लेकिन बेसिक कैलकुलेशंस को मैं बता रहा हूँ तो बेसिक कंसेप्ट है, उसमें आपको इतना घबराने की आवश्यकता नहीं। बच्चों को ऐसे सिखा दिया जाता है कि देखो बेटा अगर √5 × √5 अगर आपको ऐसी सेम वैल्यू दिखाई दे तो आप सीधे 5 लिख दो, ये भी सही है अगर आपको। और देखो अब इसी √5 × √5 टू टाइम्स है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस √5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसका भी आंसर मेरा 5 ही आना है। ठीक है, अब देखिए अगर मेरे पास में कहीं ऐसा लिखा हुआ है √2 + 5√2, तो देखिए जैसे वेरिएबल्स थे ना x प्लस 5x, उसमें 6x हो जाता था, इधर भी ये एक x की तरह ट्रीट करके चलो इसको, इससे घबराना ही नहीं है रूट से, क्योंकि रूट और वेरिएबल एक जैसे ही काम करते हैं एक तरीके से मैथ्स में कैलकुलेशन में। तो 5√2 और 1√2, क्योंकि एक अकेला √2 है, तो ये हो गया ओवरऑल 6√2। ठीक है बेटा, अगर यही ऐसे होता √2 − 5√2 तो आप इसको कैसे करते, यहाँ माइनस का 5√2 है, यहाँ एक प्लस का √2 है, तो माइनस के में माइनस से ये प्लस का साइन माइनस होगा और माइनस का साइन बड़ा है तो मेरा क्या आएगा माइनस का 4√2। ठीक है बच्चा, जैसे √3 + √5, रूट के अंदर यहाँ भी डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ भी डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है, ये अलग से एक और क्वेश्चन है। जैसे वहां x प्लस वाई होता था उनको हम ऐड नहीं कर सकते थे, ऐसे यहाँ √3 + √5 है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो था अभी बेसिक सा प्लस माइनस का केस रूट में। अब लेकिन इसमें भी रूट में इनटू का केस बता देता हूं मैं, इनटू केस देखिए बच्चा, जैसे 2√2 × √5, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो रूट की वैल्यूज होती हैं वो आपस में इनटू हो जाती हैं लेकिन अंदर ही। तो ये तो 2 रह गया और √5 × 2, तो इससे बेटा निकल के आया 2√10। ठीक है, और ऐसे बात कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं 3√7 + 5√2
इंटू टू रूट सेवन। ठीक है बेटा, देखो क्या है, थ्री रूट सेवन है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस फाइव इंटू टू क्या होता है, टेन। हमने सिंपल सिंपल वैल्यूज को पहले इंटू किया, और रूट टू इंटू रूट सेवन क्या होता है बेटा, रूट फोर्टीन। अब ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, ये एक एक्स है रूट के अंदर सेवन, और ये एक रूट फोर्टीन है, एक वाई की तरह है, तो इनको मैं ऐड नहीं कर सकता हूं। ठीक है।